हे गाइस, आप अगर अमेजोन एफिलिएट से थोड़ा बहुत जो है पैसे अर्न करते हो, या फिर अभी अभी जो है अमेजोन एफिलिएट में ज्वाइन किए हो और थोड़ा बहुत पैसे जो है अर्न करना चाहते हो और उन पैसों को जो है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली है। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक बताऊँगा, कुछ ऐसे खास जानकारी बताऊँगा जिसके बाद में आप बड़े ही आराम से, बड़े ही आसानी से जो है अपने बैंक अकाउंट में अमेजोन एफिलिएट का जो पैसा है उसे पहुँचा सकते हो। और आप अगर इस वीडियो को मिस कर दोगे तो शायद आप तक आपका एफिलिएट का पैसा जो है नहीं पहुंचने वाला है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। गाइस, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि अमेजोन के एफिलिएट में जब 1000 रुपये कमीशन इकट्ठा हो जाता है, उसी के बाद में ही आपके बैंक अकाउंट में आप जिस भी पेमेंट मेथड को ऐड किए होंगे उसी में आपको आपका जो भी कमीशन है उसे आप तक भेज दिया जाता है। ये बात तो आप सभी लोगों को पता है, बट यहाँ पर रूल में थोड़ा सा चेंजेस है जो कि न्यू यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है, और आप अगर एक ओल्ड यूजर हो तो आपके लिए भी शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो गाइस, यहाँ पर रूल नया रूल ये आया है कि आपको आप जब भी अपना पेमेंट मेथड ऐड करेंगे और उसी के बाद में जब आपके अकाउंट 1000 रुपये कमीशन इकट्ठा हो जाएगा, तो आपको एक टैक्स इन्फॉर्मेशन भेजना पड़ेगा, यानी सबमिट करना पड़ेगा। तो कौन सा वो टैक्स इन्फॉर्मेशन है और उसे सबमिट करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या क्या स्टेप को जो है फॉलो करना पड़ेगा, इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल के साथ में बताऊंगा और करके भी दिखाऊंगा। और आप अगर इस टैक्स इन्फॉर्मेशन को अगर आप सबमिट नहीं करोगे तो आपका अकाउंट का पैसा जो है आपके तक नहीं पहुँचेगा। तो आप प्लीज़ इस टैक्स इन्फॉर्मेशन को जो है ऐड कर लीजिएगा। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर एक आम आदमी से मतलब है आपके पास में कोई भी YouTube चैनल नहीं है, या फिर आप कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करते हो, या फिर आप कुछ भी आपके पास में कोई सोशल स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं है, फिर भी आप अगर थोड़ा बहुत पैसे कमाना चाहते हो Amazon एफिलिएट से, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आप अगर एक नॉर्मल यूजर हो तो भी आप थोड़ा बहुत पैसे तो है कमा ही सकते हो। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं टैक्स इन्फॉर्मेशन को कैसे फिल करना है। गाइस, जब आपके Amazon एफिलिएट में 1000 रुपये कमीशन इकट्ठा हो जाता है, तो उसी के बाद में यहाँ पे डैशबोर्ड में एक नोटिस दिखाता है जो कि टैक्स इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। और जैसे आप यहां पे क्लिक करोगे, आपके पास में एक पेज ऐसा आएगा और यहां पे आप देख सकते हो जो भी टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट दिखा रहा है। यहां पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपके पास में और एक पेज खुल के आएगा जहां पे हमको कुछ डिटेल जो है फिल करना है। और सारी डिटेल जो है फिल करने के लिए आपके पास में एक पैन कार्ड होना जरूरी है, और पैन कार्ड से ही हम फिल करेंगे। तो गाइस, यहां पे सबसे पहले जो भी आपके पैन कार्ड में नाम है उसे हमको डालना है, और उसी के बाद में एक ऑप्शन है जो कि ऑप्शनल है, तो उसे छोड़ देना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ चीज़ें जो है सिलेक्ट होती है, तो हमको उसके साथ में छेड़खानी जो है नहीं करना है। उसके नीचे में यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसमें कि आपको अपना पैन कार्ड का नंबर जो है डालना है, उसी के नीचे में एक ऑप्शन है जिसको कि हमको नो कर देना है, और उसी के नीचे GST का एक ऑप्शन है जिसे कि हमको नो ही करना है। उसके बाद में ही आपको आपका जो है पूरा नाम, यहाँ पे सिग्नेचर नेम लिखा है तो यहाँ पे आपका पूरा नाम जो है डालना है, और उसी के बाद में आपको जो है सबमिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप अगर कोई भी स्टेप को मिस किए होगे तो यहाँ पे आपको सबमिट करने का ऑप्शन जो है देखने को नहीं मिलेगा। मैंने ऊपर में जो है अपना स्टेट जो है सिलेक्ट नहीं किया है, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसी के बाद में हम सबमिट करते हैं इस टैक्स इन्फॉर्मेशन को। यहाँ पे जब सबमिट हम कर देते हैं तो यहाँ पे हमको इस टाइप का एक पेज खुलता है, यहाँ पे हमको एग्जिट इंटरव्यू पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमारा टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। जहाँ पे जो स्टेटस इनकम्प्लीट दिखा रहा था अभी यहाँ पे कंप्लीट दिखा रहा है। अब हम जब होम पेज में जाएंगे तो यहाँ पे हमको कोई भी स्टेटस इनकम्प्लीट नहीं दिखाएगा, ना ही कोई इंपॉर्टेंट नोटिस आएगा। इसे सबमिट करने के बाद में हमारा पैसा जो है हमारे अकाउंट में बड़े ही आराम से आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी टैक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।